रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। फिर बच गया, देखो ये बीमार है तब इतनी शरारती है, स्वस्थ होती तो क्या होता। वो छोकरी जिसमें परेश रावल, पल्लवी और मैं थे, जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, किसी ने देखी ना सुनी। ये हमारे जैसे नहीं करते छोटी छोटी छोटी, ये एक करते हैं बड़ी पिक्चर करते हैं। नमस्कार, आप दोनों का बीबीसी हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। नीना जी कहाँ गई? ओह नमस्कार, मैंने सचमुच मारा उसको चाकू से। जी चाकू से। फिर खत 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 करके काटा। जरा अपना पोस्टर देख रही थी, इसमें कितनी अच्छी लाइन है, व्हेन सर्वाइवल इज पनिशमेंट। क्या सर्वाइवल पनिशमेंट होता है? जब आप सर्वाइव करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते, तो पनिशमेंट ही होती है। मैं गया था एप्पल सिंह करने क्रिकेट के लिए 99 में, तो मेरे साथ एक बड़ा वेज बंदा था और हम ऐसी जगह गए थे जिम्बाब्वे वगैरह कहीं, यार हर वेज कुछ नहीं, तो सर्वाइव करने के लिए वो मतलब चिकन खाना ही पड़ा, उसका पनिशमेंट हुआ। मैं नवरात्र में फंसा था कभी कहीं। एक जमाने में मैं उस टेबल पे अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठती थी जहाँ नॉन वेज रखा होता था। एंड व्हाट ही सेइंग, मैं कहती हूँ मैं तो कभी नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर मैं भूखी मरूंगी तो खाऊंगी शायद। आपकी फिल्म में डायलॉग है, हत्या नहीं की है वध किया है, क्या डिफरेंस है दोनों में? रामचंद्र जी ने रावण की हत्या नहीं की थी, रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। ये साउंड ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, हत्या, वध, कत्ल। मैं न मारता तो वो मुझे मार देता, या वो दस और को मार देता, दस और को मार देता। मैंने आपको इतने डार्क स्पेस में नहीं देखा है, मैंने आपको भी इतने डार्क स्पेस में देखा है। जब आपने कहानी सुनी तो किस जोन में आपको लेके गया? आई लाइक्ड कि कैसे एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास कपल, जो सब कुछ जिनका दिनचर्या, जिनकी दिनचर्या वैसी चलती है, सुबह ये दोपहर शाम, कैसे वो मिल्यू लेके, वो सेटअप लेके कैसे थ्रिलर बनाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे ऐसे अंकल आंटी देखे जो बस दोनों अकेले रहते हैं, ये टिपिकल घर की कहानी, ये डार्क कहीं नहीं, लेकिन उस घर में कुछ ऐसा होता है और वो हमारे लिए, मेरे लिए तो ये एकदम, सुनो बाजार जा रहा हूँ आटा ले आना, अच्छा पैसे हैं, तो ये डाक नहीं है, तो हर घर की कहानी। लेकिन होता है कि सिचुएशन ऐसा होता है कि डाक लगने लगती है और डाक पसंद है लोग। हमारे देश की बात करें तो बुज़ुर्ग है जो अकेले रहते हैं, अपने बच्चों के सब कुछ निछावर कर देते हैं, स्पेशली मॉनेटरी चीज़ की होती है बहुत सारे दे देते हैं, फिर बच्चे होते हैं वो एक अलग, जितना हमने ट्रेलर में देखा है वो एक अलग तरह का रिश्ता दिखाया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितनी सच्चाई को बताया, क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द सोसाइटी और इन कंट्री। ये तो एक रियलिटी है जो इस पिक्चर में दिखाई है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस रियलिटी से। आप लोगों ने पहले कभी काम किया था साथ में या नहीं किया? फर्स्ट टाइम किस तरह से रहा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री आप दोनों के बीच। मैं फर्स्ट टाइम इनको देखा था जब मैं ड्रामा स्कूल में था, से नहीं सच झूठ बोल, नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोट मुझे लगी थी। तो ये लोग आए थे हमारे सीनियर, हम क्लास खत्म करके चल रहे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इनकी सीनियर थी। सीनियर्स आए हैं सब जुटे हैं और वो देखो आलोकनाथ, वो देखो वो अबे नीना गुप्ता भी आई है, अच्छा जल्दी से क्लास खत्म हुआ देखने गए, अरे नीना जी को देखा और भूल गया, वही झाड़ी में गिर गया, वो तो किसी ने देखा नहीं था। अच्छा ये बताओ मैंने क्या पहना था उस दिन? अरे उस दिन मैंने क्या पहना था मुझे याद नहीं, लेकिन मैं नीना को नहीं, अगर देख के गिर गए, इतना झूठा बंदा है। नहीं मुझे थोड़ा सा याद है, आपने यहाँ तक का कुछ उसको क्या बोलते है स्कर्ट, हाँ अलग कर, वो ब्लू किस्म का था, इस तरह वाले ब्लू का, और अब ऊपर का भी कुछ, आपका एस्थेटिक सेंस अच्छा बढ़िया पहना था। अरे हम चलते ही चलते उन्हें ब्रश कर दी, क्रॉक अगर कोई मिलता तो मैं बोलता हूँ। Who was a witness with you? Can I ask somebody? भगवान, चलेंगे एक दिन पूछेंगे भगवान, फिर मेरे को नहीं जाना है। दो हजार कम है।
ब्याज ना टाइम पे दिया करो। वही बुजुर्गों की डिपेंडेंसी उनके बच्चों पर होती है, स्पेशली मॉनिटरी, वो कितना बड़ा चैलेंजिंग आप मानती हैं? क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी में कि बच्चे ध्यान दें, और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, दे गो डिफरेंट वेज। एंड कहावत की है ना कि बुढ़ापे की लकड़ी, बेटा क्यों हो, लोग क्यों चाहते हैं कि बुढ़ापे में मैं अपने बेटे के घर रहूं, ओके, ना कि बुढ़ापे में मेरी एक ही बेटी है, मैं उसी के यहाँ रह रहा हूँ। कितने लोगों को मैं जानती हूँ जो कहते थे कि मरने से पहले अपना घर बच्चों के नाम नहीं करना। ये हमारे यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये सब शिक्षा देते हैं माँ बापों को, जो दादा है या जो भी है, चाचा ताऊ, के मरने से पहले नहीं देना। फिर भी लोग देते हैं इमोशन में आके। मैंने देखा है, मेरे एक राइटर फ्रेंड, दो घर थे, अकेले थे, दे दिया, घर से निकाल दिए गए वो। यहाँ पे भी आपका बहुत अलग रूप है, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अलग चीज़ करने को मौका। जब एक कैरेक्टर आता है, मतलब हम जैसा, हम लोग जैसा, जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा नाटक होता है, थोड़ी लिखा पढ़ी होती है, जब आता है तो हर बिल्डिंग को देखते जाता है कि इसमें ही चला जाऊँ क्या, कहीं कोई काम मिल जाए, इस खिड़की से कोई काम की आवाज़ आ जाए, अरे आओ आओ, कहाँ एक्टर घूम रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर धीरे 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 आपको छोटे छोटे काम मिलने लगते हैं। लेकिन जब वो एक पॉइंट आता है, जब लोग कहते हैं मैंने आपको देख करके स्क्रिप्ट लिखी है, ये देखो इंटरव्यू में मुझे इधर इधर कर, ये बीमार है तब इतनी शरारती है, स्वस्थ होती तो क्या होता। तो अच्छा लगता है जब आपके लिए कोई कहे कि सर ये रोल मैंने आपके लिए लिखा है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत स्ट्रगल भी होता है कि आप ऐसा बनाइए या बन जाए कि लोग आपको देख के लिखने लगे। ये सारी अलग अलग चीजें दी हैं आपने, मसमा वसबा, पंचायत, गुड बाय, ऊंचाई, अब वध, इतने सारे, तो साल आपका हम कह सकते हैं रॉकिंग साल है। इस वक्त मैं रॉकिंग नहीं हूँ, रॉकिंग हूँ एक्चुअली, रॉकिंग साल है। उन्होंने जस्ट अभी कहा कि आप, कोई आपके लिए सोच कर किरदार लिखे तो वो बहुत कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। आपके लिए ऐसा हो रहा है? मेरे लिए ऐसा हो रहा है, और मेरे लिए एक मुझे ऑफर आई है एक्शन फिल्म की, वेयर आई एम विद द गन्स एंड ऑल दैट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। एक ऑफर है जिसमें मैं लाठी चलाने वाली जो होता है आर्ट, वो कर रही हूँ, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये घर आया था मेरे, अगर कर्जा लिया तो घर आएगा ना पंडित जी। 3 दिन के अंदर तेरे पापा ने पैसे नहीं दिए तो हमारा घर चला जाएगा। क्या कह रहे हो? फर्स्ट टाइम आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा दोनों का एक दूसरे के साथ? बहुत बढ़िया। आपका भी बढ़िया था? मेरा भी ऑब्वियसली। अच्छा, एक बात आज पता चली रिलीज के थोड़े दिन पहले की, ये मुझे सीनियर समझ गई। I used to think he is much senior to me, Nanis ji. हाँ, मतलब मैं वो senior, और मैं इनको senior समझता था। मैं पढ़ के आया था ना नीना गुप्ता, this best, अच्छा मैं ठीक है। Google करके आए थे? हाँ, पूरा करके गया था। और पत्नी का रोल जो शायद प्लस पॉइंट भी है फिल्म का, और मैं जब भी, तुम बोल ही नहीं पाता था, तुम्हें कुछ मंगवाना है, नहीं मंगवा सकता, आपको कुछ, आपको आ गया। Actually, it looked good. Good. वो बहुत पॉजिटिव हो गया कि आपको, जैसे मेरी बेटी मेरी मम्मी से नहीं, अपने मम्मी से कहती है, तुम आप पापा को तुम बोलते हो, और जबकि मेरी मम्मी बोला करती है आप, तो वो फिर आप, ये इसमें फिट हो गया, इसमें इस कैरेक्टर में बड़ा फिट हुआ, दोनों का एक आप वाला रिलेशन। क्यों देवता समान इंसान के पीछे पड़ गया है? बहुत बड़ा पाप हो गया जी। आपको देखना चाहते हैं लोग, ये बहुत कम कॉम्प्लीमेंट एक्टर्स को मिलता है। जब ऐसा कुछ होता है तो हाउ, कितना बूस्टअप होता है अंदर का आर्टिस्ट, और कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है? आई एम तो फ्लाइंग वेरी हाई एंड आई एम एंजॉयिंग माई फ्लाइट। गिर गई नीचे तो अलग बात है, पता नहीं कब। सूरज जी मुझे स्क्रिप्ट, मेरा रोल पर स्क्रिप्ट पूरी सुना रहे थे ऑफिस में बिठा के, तो मैं आधी सुन रही थी, आधी में उड़ रही थी। यू सी,
सो इट्स वुड का है, ये है वुड, टच वुड यार, मुझे छू लो के या देर से आया पर आया तो सही। हाँ, लोग पसंद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग हमको लेके फिल्म बनाते हैं उनका भी थोड़ा सोचिए। पसंद करके मोबाइल पे ही मत आ जाइए सिर्फ देखने के लिए, थिएटर में जाइए ताकि उनको मतलब कुछ फ़ायदा हो। जो बंदा चाहता तो कोई सेक्स कॉमेडी बना देता, फर्स्ट टाइम पैसा लगा रहा है, लेकिन उसको बनानी है कुछ अच्छी फिल्म। और अगर हमारे जैसी फिल्में हिट होंगी तो फिर ऐसी फिल्में और भी बनेंगी, बनेंगी, नहीं तो फिर नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी। इसका दबाव महसूस करते हैं, इसका प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि समवेयर एक जिम्मेदारी बन जाती है आप दोनों की। करती हूँ मैं, चाहे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने काम कर लिया, मुझे पैसे मिल गए, ख़त्म। पर होता है प्रेशर, yes. कि मैं देखती हूँ पहले दिन कितने पैसे होगा, बिज़नेस किया, कितनी सीटें भरी, हमने ग्रुप बनाया अभी ऊंचाई का, उसमें हम सब बोलते रहते हैं, तो ये प्रेशर होता है। कोई लाश मिली, कोई मर्डर वेपन, हमारी उंगलियों के निशान, हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है, वध। आगे आप क्या क्या सरप्राइज करने वाले? नीना जी कितनी प्रैक्टिस शुरू कर दी आपने अपने एक्शन फिल्म की? नहीं, एक्शन फिल्म अभी नहीं, अभी मैं इमीडिएटली मैं अनुराग, एक मैंने बहुत अच्छी लास्ट स्टोरीज आता है ना इन्हें, भाग भाग टू में सेकंड सीजन में आई हैव डन अ वेरी नाइस स्टोरी विद आर बाल्की, बहुत मज़ेदार, मैं प्लेइंग अ ग्रैंड मदर लाइक, बट वेरी इंटरेस्टिंग।